नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारे कुछ दोस्त अहबाब बहुत सारे जो हैं, एक दो साथी और बहुत सारे लोग जो हैं, ख़ास तौर से नदवे के ताल्लुक़ से जो है लोग सवालात कर रहे हैं। तो और सवालात उनका यही है कि नदवे के ब्रांच जो हैं कहाँ कहाँ है और हमारे लिए कौन सा ब्रांच अच्छा होगा, कौन ज़्यादा नज़दीक होगा, इसके बारे में आप हमें बतलाइए। तो आज हम उसी को लेके जो है, और इससे पिछले वाले वीडियो में भी हमने कहा था कि इंशाअल्लाह दारुल नदवतुल उलमा के जो जितने भी ब्रांच हैं, जो शाखें हैं, उसके बारे में हम आपको बतलाएंगे। तो आज हम सोचें कि इंशाअल्लाह आज हमने सोचा कि जो है आपके सामने दारुल नदवतुल उलमा के जितने भी ब्रांच हैं उसके बारे में हम आपको बतलाएँगे। तो आइए सबसे पहले जो है शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बतला दें, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कौन से ब्रांच कहाँ हैं, कौन सी जगह कहाँ पर है, कौन से मदरसे कहाँ हैं और कितने मदरसे हैं कहाँ पर, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी अगर पूरी वीडियो देखेंगे तब। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहला जो है जो दारुल नदवतुल उलमा के जो ब्रांच हैं वह है मदरसा तालीमुल कुरान, संत कबीर नगर यूपी में है। और इस मदरसे के अंदर जो है समझिए कि आलिया उला तक जो है तालीम होती है इस मदरसे के अंदर। फिर उसके बाद मदरसा फारूकिया व मस्जिद सिद्दीक़ अकबर, ये जो है रफ़ी नगर गोंडी मुंबई, इस मदरसे के अंदर आलिया उला तक जो है समझिए कि तालीम होती है। फिर उसके बाद जामियतुर रिजवानुल इस्लामिया, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये मदरसा है, इस मदरसे के अंदर समझिए कि आलिया उला तक जो है तालीम यहाँ होती है। फिर उसके बाद है जामिया सौतुल कुरान पानीपत हरियाणा, हरियाणा के अंदर भी मदरसा है, इस मदरसे के अंदर आलिया उला तक जो है तालीम होती है। फिर उसके बाद है मदरसा तालीमुल कुरान जगदीशपुर पूरा मेठी सुल्तानपुर, इस मदरसे के अंदर समझिए कि आलिया उला तक जो है तालीम होती है। फिर उसके बाद मदरसा इस्लामिया एहसानिया गोपालगंज बिहार, इस मदरसे में जो है आलिया उला तक जो है तालीम यहाँ होती है। फिर उसके बाद जामिया मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर राजस्थान, इस मदरसे के अंदर जो है आलिया उला तक जो है तालीम हासिल होती है। ये सारे चीज़ें हम आपको बतला रहे हैं कि दारुल नदवतुल उलमा की जो ब्रांच जहाँ जहाँ हैं उसके बारे में आपको बतला रहे हैं, गौर से सुनिएगा। फिर उसके बाद है मदरसा अरबिया फैज़ुल उलूम चंदन झेरा जालना महाराष्ट्र, इस मदरसे के अंदर जो है आलिया उला तक जो है तालीम होती है। फिर उसके बाद है मदरसा अरबिया तामीर मिल्लत फैज़ुल्लाह गंज लखनऊ, ये लखनऊ के अंदर ये मदरसा है, असनतुल आलिया यानी कि आलिया उला तक यहाँ तालीम होती है। फिर उसके बाद है दारुल उलूम अरबिया जलीलिया फुरकानिया जरवल बहराइच, इस मदरसे के अंदर जो है आलिया उला तक तालीम होती है। फिर उसके बाद जो है जामिया उमर फारूक अल इस्लामिया, ये मालदा मगरबी बंगाल, बंगाल के जो साथी हैं हमारे सफदर हुसैन साहब और तीन चार लोग हमारे बंगाल के जो साथी हैं वो फ़ोन करके पूछ रहे थे कि बंगाल के अंदर कहाँ जो है इस दारुल नदवतुल उलमा की ब्रांच हैं। तो वो गौर से सुन लें कि जामिया उमर फारूक अल इस्लामिया मालदा मगरबी बंगाल, यहाँ जो है मदरसा इसके अंदर जो है समझिए कि आलिया उला तक तालीम होती है यहाँ पर। फिर उसके बाद है जामिया अरबिया अशरफिया नयाब भूजपुर बक्सर बिहार, इस मदरसे के अंदर जो है आलिया उला तक तालीम होती है। फिर उसके बाद है माहदुर रशीद रशीदुल इस्लामी जगाधरी हरियाणा, ये भी मदरसा जो है हरियाणा के अंदर है और इस मदरसे के अंदर जो है समझिए कि आलिया उला तक तालीम होती है। फिर उसके बाद मदरसा फैज़ुल कुरान हैदरगढ़ बारह बंकी, इस मदरसे के अंदर जो है समझिए कि आलिया उला तक तालीम होती है। फिर उसके बाद जो है जामिया हसन संजरी कोट फतेहपुर यूपी, इस मदरसे के अंदर भी जो है आलिया उला तक तालीम होती है।
फिर उसके बाद मदरसा सैयदना उमर फारूक सैफुल्लाह गंज सुल्तानपुर, सुल्तानपुर के जो साथी हैं वो भी फ़ोन कर रहे थे तो वो भी सुन लें कि सुल्तानपुर के अंदर जो है मदरसा सैयदना उमर फारूक जो है वहाँ नदवे की ब्रांच में है, ये भी शाख है उसके। इसमें भी जो है मदरसा, इसमें जो है आलिया उला तक तालीम यहाँ होती है। फिर उसके बाद मदरसा अलफलाह आज़ाद नगर इंदौर, इस मदरसे के अंदर भी जो है समझिए कि आलिया उला तक तालीम होती है। फिर उसके बाद दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम बोझ गाँव पूर्णिया बिहार, पूर्णिया के जो साथी हैं बिहार के वो सुन लें कि आपके पूर्णिया के बोझ गाँव पूर्णिया जो है वहाँ पर भी मदरसा दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम जो है नदवे की ब्रांच है, उसमें आप तालीम हासिल कर सकते हैं और वहाँ आलिया उला तक तालीम होती है। फिर उसके बाद मदरसा सिराजुल उलूम श्रीनगर कश्मीर, कश्मीर के साथी भी दो साथी हमको फ़ोन किए थे, वो पूछ रहे थे कि नदवे का ब्रांच जो हमारे कश्मीर में कहाँ है, तो गौर से सुन लें कि मदरसा सिराजुल उलूम श्रीनगर कश्मीर, इस मदरसे के अंदर जो है समझिए कि आलिया उला तक तालीम होती है। आखिर में जो है उसके बाद जो है मदरसा दावतुल हक भेलसर फैज़ाबाद, ये इस मदरसे के अंदर भी जो है समझिए कि आलिया उला तक तालीम होती है। तो नाज़रीन इतने सारे मदरसे जो हमने आपके सामने रखे हैं अभी तो समझिए कि बहुत हैं मदरसे के, दारुल उलूम नदवतुल उलमा के जो ब्रांच हैं अभी तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से हमने जो है 10-20 आज हमने जो आपके सामने रखे हैं। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है उसके रखेंगे। नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको जो है नदवे के बारे में कभी कभी जो है अपडेट देते रहेंगे, और इस चैनल पर समझिए कि हमारा ज़्यादातर तफसीर क़ुरान और जुमा का बयान और जो है छोटे मोटे वाक़ियात के साथ हम हाज़िर होते रहते हैं, कई बच्चों के साथ हाज़िर होते हैं, कभी नौजवान के साथ, और शॉर्ट वीडियो हम डालते रहते हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं दीन के ताल्लुक से। आप ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसमें हम जो है दारुल उलूम नदवतुल उलमा के जो आपके चीज़ें हैं, जो आपके मन की जो चीज़ें हैं नदवे के ताल्लुक से, हम जो है कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, नदवे के जो है अपडेट देते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हमें इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।